नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं आपके साथ महताब। बता दें आपको, बीते 14 नवंबर को जो सरकार के द्वारा अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया गया था और सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया था, उसी को लेकर आज इन लोगों ने समाज से भी प्रीति यादव से आकर मुलाकात की है और इन लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो किसी अच्छे जगह पर स्थापित किया जाए। आपको बता दें कि ये सफाई कर्मी जो है मधेपुरा में, इन लोगों के वजह से जो मधेपुरा का सफाई होता है, इन लोगों का कहना है कि हमें मधेपुरा के आसपास ही स्थापित किया जाए ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते भी हैं और सफाई करने में हमें परेशानी नहीं हो। हालांकि हमारी बात जब अनुमंडल पदाधिकारी से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सुखासन या खोपैती में इनको जगह दिया गया है, लेकिन ये लोग वहां जाने से इनकार कर दिए, इसलिए कि इन लोगों का कहना है कि वहां पर जो है कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई बाधित होगी। और दूसरी बात है कि हमें 5,000 रुपये का तनख्वाह मिलता है, अगर हम 5,000 रुपये में अपने आने जाने में ही भाड़ा अगर दे देंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। इस वक्त ये लोग जो है, ये लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग के साथ काफी परेशानी। आइए जानते हैं। सबसे पहले बताइए, जो आप जो आए हैं प्रीति यादव समाज सेवी के पास या अपनी मांगों को लेकर गुहार लेकर, क्या कहना चाहेंगे, आप लोग का क्या मांग? हमरा के मांग यह है सर, जो हमरा के घर दिया जाए, जमीन दिया जाए। हम लोग वश में सोते हैं, तबीयत खराब हो गया है, हम लोग को नजदीक दिया जाए जमीन। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग को बाल बच्चा वहाँ पर पढ़ नहीं सकेगा और क्या, वहाँ पर कितना कितना आदमी का खतरा हो जाएगा, बहुत जंगल है, वहाँ पर नहीं जाएंगे सर हम लोग। हम लोग प्रीति जी से, मैडम से यही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग का घर टूट चुका है और हम लोग का कहीं व्यवस्था नहीं है रहने का, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और इनसे यही निवेदन है कि हम लोग को व्यवस्था किया जाए, इसीलिए हम गुहार लगाने मैडम के पास आए हैं। जो मैडम हमारे लोग को बात रख रही हैं और मैंने प्रयास कर रही हैं कि आप लोग का काम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आए हैं। हमारे लग में हमारे व्यवस्था कर दिया जाए और हमारे बोझ में सुते सुते हमारे तबियत खराब भाग गए, मन खराब भाग गए, कहाँ से पैसा आनबे, दवाई आप आए कुछ ही खेबे, खाने पीने के लिए बहुत तरत रह रही है हमारे, कुछ मिले नहीं। जी से आए हैं वहार लगाने के लिए, कि प्रीति जी आए हैं उससे वहार लगाने के लिए आए हैं कि आज 10-15 दिन से पूरे होश में सोते हैं, बाल बच्चे बीमार पड़ गया और हम लोग को जमीन दिया जाए नजदीकी में, जो नगर का सफाई हम लोग करते हैं और सुंदर बना के पूरा मधेपुरा के रखे हुए हैं हम लोग, अगर दूर दहार दिया जाएगा तो हम लोग कैसे नौकरी कर पाएंगे 5-7 हज़ार रुपया में, और बाल बच्चा कैसे पढ़े लिखेगा। हम सोचते हैं कि मैं झाड़ू लगाया, मैंने गंदा साफ किया, मेरा बाल बच्चा गंदा नहीं साफ करना चाहिए, और जितना भी सब मिल के कमाते हैं, महिला जेंट्स मिल के कमाते हैं और मिल के कमा के अपना घर चलाते हैं, और जो बच्चा पैसा बचता है स्कूल में फीस दे के सोचते हैं कि अच्छे अच्छे स्कूल में, कि हम लोगों को नजदीकी दिया जाए जमीन और घर और बिजली और पानी, और अगर दूर दिया जाएगा तो हम लोग कैसे बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई करेंगे और क्या कहते हैं कि हम रह सकेंगे उतना पैसा में कैसे। ठीक है, हम प्रीति जी से भी मिलकर बात करते हैं। ये बताइए कि प्रीति जी, इन लोगों का ये गुहार है, आपके पास ये आई है और बड़ी आशा लेके ये लोग पहुंचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज आई तो इन लोगों का अचानक आना हुआ और ये लोग काफी उम्मीद के साथ आए हैं, तो मैं इन लोगों को यही बोली हूँ कि मैं अपने तरह से भरपूर प्रयास करूंगी, मैं सर से मिलके, प्रशासन से मिलके, सीओ साहब से मिलके, जो भी होगा इन लोगों का बात हम रखेंगे। और इन लोगों को भी मैं बोली हूँ कि आप लोग भी प्रशासन की बात सुनिए, जो क्या कहा जा रहा, फिर बीच का जो भी समाधान होगा निकाला जाएगा दोनों तरफ से, तो आगे हम बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है और अपने तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे कि इन लोगों का कष्ट कम हो, क्योंकि मुझे देख के काफी दर्द हो रहा है, इस तरह से ये लोग बारिश में है, ये ठंड में सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुंबई लोग का लाइट भी
कट हो गया है, तो मोमबत्ती जला के ये लोग कैंडल में खाना बना के खाते हैं, रहते हैं। तो दोनों तरफ से मैं बोली हूँ कि आप लोग भी मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहिए सरकार की बात सुनने के लिए। सरकार से भी मैं आगे बात करती हूँ क्या है कैसे है प्रशासन से, तो फिर मैं आगे बताती हूँ। यही मेरा है। आपका शुभ नाम? मेरा प्रीति यादव, समाज सेवी, मधेपुरा।